नमस्कार सभी हमारे ब्लॉगर को, हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान की तारीख आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्वाचन आयोग के द्वारा आज तारीखें तय कर दी गई हैं। काफी समय से लोगों को चुनाव की घोषणाओं की तारीख का बेसब्री से इंतजार था, आज उनका इंतजार जो खत्म हो चुका है। आज आपको बता दें कि 17 नवम्बर को मध्य प्रदेश में एक साथ एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं यदि हम चुनाव की बात करें तो हमारे साथ कुछ युवा वर्ग है, हम उनसे जानेंगे चुनाव के बारे में। और इसके साथ ही जैसा कि बताया जा रहा है कि जैसे चुनाव की घोषणा होती है वैसे आचार संहिता भी लग जाएगी। काफी समय से लोग आचार संहिता का इंतजार कर रहे थे, तो हम हमारे क्षेत्र के युवाओं से आपको मिलवाएंगे और चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे। उनका क्या कहना है, मध्य प्रदेश में 17 नवम्बर को जो चुनाव होगा एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वोट डाले जाएंगे, हम युवाओं से चर्चा करेंगे। नमस्कार। 17 नवम्बर को जो अपने मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी सभी से मेरा यही कहना है कि 17 नवम्बर को जितने भी मतदाता है चुन चुन कर हर एक व्यक्ति मतदान करने जाए, इससे सरकार को चुने और अपने देश का विकास कराए। जहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है ये तारीख कब आएगी, होटल पे, शोरूम पे, जहाँ भी देखो हर जगह इस तारीख के शोरूम मतलब प्रतीक्षा थी वो आज तारीख आ गई है। क्या है गांव में, क्या चर्चा है, चौक चौका चौपाल में बात करें, बूढ़े सियाने पुराने लोग होते हैं गांव में, बैठकर चर्चा करते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, चौपर खेलते हैं, उनका क्या कहना चाहते हो? बल भाई साहब यही कहना है, और हम भी उनके बीच में बैठते हैं तो यही बात होती है कि सरकार जो भी बने अच्छी विकासशील सरकार बनना चाहिए। मतलब जो पढ़े लिखे जुजारू युवा नेता है वो आगे आए और अच्छे विकास कराए, यही चर्चा चल रही है। हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए यहाँ पर दुकान पर, उनसे जाने क्या नाम है, कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं चुनाव का जो ऐलान अभी निर्वाचन आयोग ने किया, क्या कहना चाहते हैं, बता क्या नाम? जी दिल्ली का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते चुनाव का ऐलान के बारे में? बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो। जितने युवा है 17 तारीख को जाए वोट मत।